नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अपने देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह को लेकर देश में आपस में बहुत सी बातचीत हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हुई, लेकिन इसमें से एक मुद्दे पर देश के बाहर से भी आवाज आने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे घर का मामला है और संसद भवन भी अपनी जमीन पर ही बनवाया गया है, तो भाई बाहरी लोगों को दिक्कत क्यों है? तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत की संसद भवन में सम्राट अशोक के समय के अखंड भारत के नक्शे को लगाया गया है। अब अखंड भारत का मतलब तो आप समझते ही होंगे। खैर, उस विषय में बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस बात को लेकर ताजा विवाद देखने को मिला है उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल अखंड भारत के नक्शे में आधुनिक नेपाल के लुम्बिनी और कपिलवस्तु को भी दिखाया गया है, जिसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने चैम्बर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर एक नया विवाद पैदा कर दिया। इस ग्रेटर नेपाल के नक्शे में हिमाचल से लेकर बिहार तक के काफ़ी इलाकों को दिखाया गया है। अब इस नक्शे को लगाने का कारण यही माना जा रहा है कि भारत की संसद में लगाए गए सम्राट अशोक के समय के अखंड भारत के नक्शे के जवाब में काठमांडू के मेयर ने ये नापाक हरकत की है। सबसे खास बात यह है कि मेयर बालेन शाह इस समय भारत के बेंगलुरु शहर में ही हैं और उन्होंने अपने सहयोगी से कहकर ये नक्शा लगवाया है। अब इनके इस कदम की जहां भारत में आलोचना हो रही है, वहीं इसको लेकर अब नेपाल में भी बहस छिड़ गई है। इसके साथ ही नेपाल के कानून विशेषज्ञ भी इस हरकत को सही नहीं मान रहे हैं, जबकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही अखंड भारत विवाद पर साफ कर दिया था कि केवल अशोक के साम्राज्य को दिखाया गया है, दोस्ताना देश इसे समझेंगे। हालांकि पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान को भूल जाइए, उनके पास इतनी समझ ही नहीं है कि वे इसे समझ सके, ये राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक नक्शा है। भारत के समझाने के बाद भी अगर पड़ोसी देश में कुछ ऐसी चर्चा है तो उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल एक समय नेपाल का भूभाग पूर्व में तिस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक फैला हुआ था। इस बीच अंग्रेजों के साथ युद्ध में नेपाल ने अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। युद्ध के बाद मेची से तिस्ता और महाकाली से सतलुज तक के क्षेत्रों को स्थायी रूप से भारत में मिला लिया गया था। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने नेपाल के क्षेत्र को मेची महाकाली नदी तक सीमित कर दिया था। काठमांडू के मेयर बालेन शाह के कार्यालय में जो ग्रेटर नेपाल का मानचित्र लगाया गया है, उसमें पूर्वी तिस्ता से लेकर पश्चिमी कांगड़ा तक के क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो वर्तमान में भारतीय क्षेत्र है। अगर भारत नेपाल सीमा विवाद की बात करें तो अभी फिलहाल नेपाल के साथ काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा के क्षेत्रों में सीमा विवाद है। ये वर्तमान में भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नेपाल भी इन पर दावा करता है। भारतीय दावों के जवाब में नेपाल सरकार ने 2020 में अपने हिस्से के रूप में क्षेत्र को शामिल करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र भी जारी कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से सीमा विवाद की स्थिति में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। हालांकि नेपाल की भारत पर बहुत अधिक निर्भरता है, लेकिन चीन की तरफ से समय समय पर भारत और नेपाल के संबंधों पर प्रभाव डालने की कोशिश होती रहती है। अब देखने वाला ये होगा कि ताज़ा विवाद का इन दोनों देशों पर क्या असर पड़ता है। वहीं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।